हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को इग्नोर ना करें और इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही मैटर करती है आपकी एग्जाम नीट 2020 में रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बहुत मैटर करती है वीडियो। तो वीडियो मन तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें फ्रेंड्स। नीट की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ नीट की वेबसाइट पर। neet.nt.nic.in की वेबसाइट पर आते हैं। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, हालांकि NT ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था, इस नोटिस में बताया था कि आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट लगता है तो आप 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर शाम 9 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हो। आंसर की चैलेंज करने के लिए ₹1000 इसका चार्ज है, और अपनी जो OMR सीट है, ठीक है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के लिए उसके ₹200 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, आने के बाद आपको लॉगिन करना है, व्यू टू चैलेंज एंड आंसर की OMR रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके, ये कैप्चा डाल करके यहाँ पर ये वाला आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर साइन इन करके आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी छात्र 2022 से 2023 की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहते हैं कि 15-20% डिस्काउंट मिल जाए, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको 15-20% तक डिस्काउंट दिलवाऊंगा, और जहां तक है 20% से ऊपर ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट करिएगा मुझसे जा करके। तो देखिए फ्रेंड, जो भी छात्र सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, 17 अक्टूबर शाम सुबह 11 बजे एक कॉम्बैट है अनअकैडमी का, जो कि मेगा कॉम्बैट के नाम से जाना जाता है। कोड है TCA10, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कोड भी डिस्क्रिप्शन में, ये TCA10 और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। जा करके मुझे वहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट करें, और इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। कल संडे है, तो कल ही 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगा। 103 तक रैंक आने पर आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 60 मिनट में केवल NCERT बेस 28 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप इसमें एनरोल जरूर करिएगा फ्रेंड्स। कोड है मेरा TCA10, जिन छात्रों को सब्सक्रिप्शन लेना है इस कोड से ले लें, मैं आपको 20% तक डिस्काउंट दिलवा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन है, मुझसे आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया है, ये सिक्योरिटी पिन, और मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद आपको देखना क्या है, ऊपर आपको दिया है व्यू चैलेंज आंसर की। अगर आप आंसर की में चैलेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैलेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, व्यू आंसर की चैलेंज, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन का जो आंसर की है, NTA द्वारा जो ऑफिशियल बताया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो NTA ने ऑफिशियल ये बोला है। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको चैलेंज करने के लिए नीचे आना है, और आने के बाद यहाँ पर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन, सपोज डेट आप ही चाहते, आपको पता है कि 178 का सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, आप NTA के आंसर क्यों को गलत साबित करना चाहते, तो यहाँ पर टिक करिएगा कौन सा आंसर इसका होगा, और यहाँ पर एक इमेज अपलोड करिएगा और सबमिट टू क्लेम पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ₹1000 की फीस पेमेंट करनी होगी। दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप फ्रेंड्स करना चाहते हैं OMR चैलेंज। अब आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर देखिएगा OMR चैलेंज पर देखेंगे तो आपने जो OMR सीट फिल की थी एग्जाम सेंटर पर बैठकर, वो आपकी OMR सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो OMR सीट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपने कौन सा कॉलम फिल किया है, कौन सा ऑप्शन फिल किया है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपने सपोज डेट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन लगाया है, सेकंड का थर्ड लगाया है, सेकंड का सेकंड लगाया है, तो आपने जो भी लगाया है, तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड OMR। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करना है, ये क्या हमने जो फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन लगाया है, क्या वो NTA ने रिकॉर्डेड OMR में सही दिया है कि नहीं दिया है। मैं इस पर रिकॉर्डेड टू व्यू चैलेंज OMR पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ है, सेकेंड थर्ड फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे देखना है वो। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन का क्या था, फोर्थ था, सेकंड थर्ड फोर्थ का सेकंड ऑप्शन था। तो आपको बस यही चेक करना है कि जो NTA ने आपकी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एज पर OMR सीट के रिगार्डिंग जो आपके ऑप्शन दिए हैं, जो आपने ऑप्शन नहीं लगाया होगा वो डैश इस तरह से होगा, ठीक है। जो आपने ऑप्शन लगाया है वो ऑप्शन नंबर लिखा होगा कि कौन सा ऑप्शन आपने OMR सीट पर लगाया है। सपोज डेट आपको लगता है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर मैंने थर्ड लगाया है या सेकंड लगाया है, लेकिन एनटी ने यहाँ पर रिस्पांस रिकॉर्डिंग में यहाँ पर जो है सेकंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करना है जिस भी ऑप्शन आपने जो ऑप्शन लगाया, सपोज डेट आपने ऑप्शन लगाया है एग्जाम में ओएमआर सीट पर थर्ड, लेकिन एनटी ने यहाँ पर दे दिया है फोर्थ, तो आपको थर्ड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लेम और सेव और क्लेम पर क्लिक करके ₹200 की पेमेंट सेव करके आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो आपको बस यही चेक करना है कि आपकी जो ओएमआर सीट से ये मैच है कि नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लें, ये ओएमआर सीट से मैच कर लें कि आपने जो आंसर लगाया है क्या वो उसमें सही है कि नहीं है। पता लगे आपने ओएमआर में कोई सही आंसर लगा दिया हो लेकिन एनटी ने यहाँ पर रिकॉर्ड रिस्पॉन्स पर ये गलत दे दिया हो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो इसी रिस्पॉन्स जो एनटी ने ये वाला जो दिया है इसी से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स पर ओएमआर सीट अब नहीं देखी जाएगी, आपकी बस ये कि आपने ऑप्शन कौन कौन सा लगाया है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको चेक कर लें एक बार, अगर कोई गलत है तो उसको क्लेम कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। मुझे बस यही बताना था, और कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।